आप जो बात बोल रहे हैं कि आपका जिंदगी में कभी शांति रहा नहीं, और आप जिसका भला करते हैं लोग वही लोग आपको दोषारोप करते हैं, वही लोग आपको बुरा भला गलत दृष्टि से देखते हैं, और आपका पति और बच्चों को आपसे अलग कर दिया गया है षड्यंत्र के तहत, कूटनीति राजनीति के तहत। तो ये है आपका समस्या, और आपका प्रश्न ये है कि कब, मतलब ये जिंदगी में ऐसा रहेगा या कब ठीक ठाक हो जाएगा। देखिए, अगर ये विगत 5.5 साल के अंदर हो रहा है, हुआ है, और जो भी घटनाक्रम आप बता रहे हो, तो ये समझ लीजिए शनि का 7.5 का इफेक्ट है, और आने वाला 2 साल के बाद ये सारे सब शांत हो जाएंगे। अगर लेकिन अगर ये जो आपका दशाओं का सीरीज देखते हैं, जन्म आपका चंद्रमा के महादशा में शुरू हुआ, मंगल राहु गुरु तीनों को आप भोगे, और अभी 2028 तक आपका गुरु का भोग करना है, तो लाइफ में आपका चंद्रमा का महादशा एज ए मकर राशि मकर लग्न नॉट कारक, मंगल का दशा अंतर दशा नॉट कारक, राहु का दशा फेवरेबल पीरियड गया होगा, तो अप टू 2012 से लेके 2012 तक समहाउ फेवरेबल, क्योंकि ये शनि के मतलब कंडीशनल मित्र रहते हैं। गुरु आपका अप टू 2028 तक चलेगा, और गुरु का महादशा 2014 से लेके 2028 10 तक चलने वाला है, और ये कंडीशन गुरु नेचुरली मकर राशि मकर लग्न के लिए द्वादशाधिपति और तृतीयाधिपति, और ये भी किसी से कारक होता नहीं है, ठीक है, और कुछ शत्रु तो शत्रुता इसका रहता है। ये दशा अंतरदशा स्वाभाविक बात है, किसी के भी कुंडली में अगर ऐसे अपोज अपोज प्लैनेट का दशा अंतरदशा चले तो लाइफ में उतार अप एंड डाउन, और थोड़ा सा ऐसे जिंदगी में जो भी घटना उपघटनाएं होते हैं कोई खास महत्व का नहीं रहता और समस्या लगा रहता है। कुंडली में अष्टम में ज्यादा ग्रह बैठे हैं, लग्न से भी और राशि से भी, राशि और लग्न समान, राशि और लग्न समान हो गया, और अष्टम स्थान पे चार चार ग्रह चार चार प्लैनेट आके बैठ गए जिंदगी का बाधक स्थान पे, बाधा देने वाला स्थान पे। और जब भी किसी का अष्टम स्थान पे दृक् स्थान पे मरण तुल्य पीड़ा स्थान पे चोर चपेट एक्सीडेंट के स्थान पे जीवन का हर क्षेत्र का बाधा के स्थान पे जितना ज्यादा प्लैनेट रहेंगे उतना ज्यादा जिंदगी में उस उनके दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि 2003 में आपको कष्ट शुरू हुआ, और उस समय राहु का महादशा में शनि का अंतरदशा, दोनों राहु और शनि, शनि और राहु अष्टम में आके बैठे, और दोनों दोनों अष्टम अष्टमे अष्टम का स्थित ग्रह का दशा एक साथ ट्रिगिंग किया, और जिंदगी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, ठीक है। और ये जब शनि का 7.5 मकर राशि को लगा आज से 5.5 साल पहले, तो नेचुरल बात है आदमी को घिसट के रख दिया, ठीक है। तो ये 5.5 साल में नेचुरली थोड़ा सा प्रॉब्लम का बढ़ना, क्योंकि एनर्जी मिसमैच और एनर्जी एग्रावेशन और स्टॉक अप एनर्जी इन योर 8th हाउस, ओके। तो स्वाभाविक बात है आप जो कह रहे हो, और अभी प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा, क्या ये सब अप एंड डाउन से मेरे को जिंदगी में कभी निजात मिलेगा? हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब आपका लग्नेश का महादशा ज्यादा नहीं, और समझ लीजिए आफ्टर 2028 अक्टूबर महीना के बाद शनि का महादशा चालू होगा, और हालांकि शनि भी अष्टम में बैठा है, अष्टम का कारक भी है, और यहां अष्टम चंद्रमा से अष्टम होने से एक तरह जरूर कहा जाएगा कि मरण तुल्य पीड़ा कंटक शनि का आजन्म कंटक शनि ये सारा रहता है जिंदगी भर में, है ना, ये रहेगा भी। इसके बावजूद भी मैं कहूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिंदगी भर कष्ट पाता है लाइफ का पहला पार्ट सेकंड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट में रिवर्स एक्शन एनर्जी रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत, ये ज्योतिषीय सूत्र नहीं है, जीवन का सूत्र है, तो उसके जीवन पे ऐसा मतलब रिवर्स ट्रिगिंग होता है लाइफ का कि उसका लाइफ में वो पार्ट जरूर सुख भोग करता है।
उसके जीवन पे एक स्टेबिलिटी आता है। सोचो आपको जिंदगी भर ये कष्ट देते देते आए और जब लाइफ का सेकंड फेज का गेम खत्म हो गया तो थर्ड फेज का जब स्टार्ट होता है ना, तो नेचुरली आदमी के जीवन पे वही दुखद स्थिति देने वाला ग्रह सुख देने लगते हैं। यानी एक तरफ ऐसा कहिए कि जो शनि महादशा को लोग डरते हैं, आपके शनि महादशा जब स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां मित्र नक्षत्रीय अफेक्ट देगा, तो आपके लिए उत्तम फल प्रदायक रहेगा, ठीक है। और शनि यहां अपने मस्त फल देने के कगार पे खड़ा है, तो इस कंडीशन पे मैं कहूंगा कि आपके लिए एक बेस्ट रिजल्ट देने वाला स्थिति बनाएगा। हाँ, तो वो शनि का महादशा ही आपके लिए, आपके जीवन पे आप देखना कि आपको भक्ति, मुक्ति, आध्यात्म, मानसिक शांति, अकल्ट में डेवलपमेंट अगर अगर आप करते हो तो। अदरवाइज शनि जाके अगर लग्नेश बन के अष्टम में बैठा तो ऐसे लोगों का जिंदगी भर आज ये बीमारी, कल वो बीमारी, कल वो पीछे पड़ गया, कल वो पीछे पड़ गया, मतलब जिंदगी भर कभी चोर चपेट एक्सीडेंट रास्ता छोड़ते नहीं। और ये जो आप कह रहे हो कि मैं जिसका भला करता हूं वही मेरा मतलब प्रॉब्लम करता है, दोष देता है, लेग पुलिंग करता है, बदनामी करता है, ये अति सामान्य विषय है, अति सामान्य विषय। बहु जितने जिंदगी में देखा हूं लग्नेश शनि बन के अष्टम में बैठा हो, और ये जिनका भी कल्याण मंगल करते हैं वही लोग आखिरी में उनका पुंगी बजाते हैं, बदनाम करते हैं, लूटते हैं, कसोटते हैं, धोखा भी देते हैं। ये कोई नया फैक्टर नहीं है, अति सामान्य फैक्टर है। आगे ये मैं इसमें मेरा मेरे तरफ से इसका रेमेडी बता देना चाहूंगा। सबसे पहले क्योंकि चंद्र से शनि अष्टम में है, क्योंकि लग्न और चंद्रमा से शनि अष्टम में है, क्योंकि चंद्रमा लग्न से चार चार ग्रह वहां पर बैठे हैं, एक प्रकार शनि राहु का श्रापित योग, एक प्रकार शनि और शनि मंगल गुरु राहु, चार प्लैनेट जब बैठते हैं और चार फल चार ग्रह का एक मिक्सचर कंबस्टेबल रिजल्ट लाइफ में आता है, और दूसरा हर एक प्लैनेट अपने अपने टाइम में जब पावर में आते हैं या उनका जब स्पेल आता है तो अपने अपने फल देते देते जाते हैं। पति के साथ ये समस्या होना एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि आपके अष्टम स्थान पे वो गुरु आके बैठा, तो जब भी अष्टम स्थान पे कोई प्लैनेट जाता है तो अपने शक्तिहीनता और अपने को एक मतलब एक प्रॉब्लम लेवल पे पाता है, तो अच्छा फल दे नहीं पाता। लेकिन आपके लिए ये प्रचंड राजयोग है, क्योंकि 12th लॉर्ड इन 8th हाउस गुड, ठीक है, तो इस कंडीशन पे तो बहुत अच्छा है जिसको। बट ये क्या है ना, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव राजयोग, नॉट पॉजिटिव राजयोग, ठीक है। इन विकट विपरीत परिस्थिति में ये एक्टिव होके आपको माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस का फल देगा, यही है। आपको शनि के तीन स्पेशल फेवरेबल प्लैनेट हैं, जो शुक्र है, बुध है, खुद शनि है, ठीक है, और राहु भी इनके फेवरेबिलिटी में जाता है। तो इनके लेवल पे कोई भी प्लैनेट आप जरूर ले सकते हैं, मना नहीं है। कोई भी पत्थर, कोई भी पत्थर, कोई भी स्टोन, कोई भी माणिक्य, कोई भी माणिक्य, सॉरी माणिक्य मतलब जितने भी ग्रह रत्न हैं उनको लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्योंकि सेकंड हाउस को मतलब अव्वल दर्जे का मार्केस भी दिया गया है ड्यूटी में, और वहां का लॉर्ड भी हो या वहां का प्लैनेट भी हो, वहां कोई बैठा हो तो वो उसका भूमिका निभाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे, और दूसरा क्या, ना बुध यहां पर ना शुभ होगा ना अशुभ, अशुभ ग्रह के साथ बैठा तो अशुभ हो गया, शुभ ग्रह के साथ बैठा तो शुभ हो गया। और जब कोई शुभ प्लैनेट अशुभ बनता है, अशुभत्व का फल देने आता है, तो वो मतलब हाइट्रिगिंग फल देने लगता है। तो उसके उसको अगर कोई भी रत्न दे के बल दे देते हो तो आप खुद अपने से बताओ, क्योंकि आप भी जानते हो, बोल रहे हो कुछ हद तक, तो सोचिए कि कोई कोई जीवाणु है, कोई वायरस है, और आप देख रहे हो कि इस वायरस को अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो बीमारी छुटा सकता है, और बल दे दें तो बीमारी बढ़ा सकता है, तो आप क्या करोगे?
तो उससे पॉजिटिव फायदा उठाओगे ना, तो आप उसको बल दे के क्यों हम बीमार बुलाएं। और हाँ, तो कोई ज्योतिष अगर आपको बोला है तो बहुत सोच समझ के बोला है, गलत नहीं बोला है जी।